हेलो दोस्तों दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम लाफ टोट में एक और जनरल डिफेंस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्ट ऑफ कोर्ट। इससे पहले हमने ऑलरेडी इनएविटेबल एक्सीडेंट प्लेंटी हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर वोलेंटी नॉट फॉर इंजुरिया के जनरल डिफेंस को डिस्कस कर लिया है। और अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लॉ ऑफ टोट के कॉलम में जाएं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगी, हमें एनकरेजमेंट मिलेगी कि बच्चों का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमें और वीडियोज़ बनानी चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लीगल एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस में फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, पर आपको लॉ विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे आप एक रुपया करो, चाहे आप पाँच रुपये करो, चाहे आप दस रुपये करो या सौ रुपये करो, जो वो आपकी इच्छा है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारी सपोर्ट के लिए। तो हमने गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर लिख दिया है 8219820461। आओ दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों अगर मैं एक्ट ऑफ गॉड की बात करूं, तो अगर इसकी हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब है भगवान का कार्य। अर्थात जब कोई भगवान का कार्य होता है, किसी भी भगवान के कार्य से कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाए, किसी को लॉस हो जाए, तो भी हम जनरल डिफेंस ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम भगवान के ऊपर बात को थोप सकते हैं कि भगवान ने किया, भगवान की गलती थी, तो मैं लायबल क्यों हूँ। आपको पता है जनरल डिफेंस हमेशा डिफेंडेंट लेता है। तो अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाए, जैसे अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गई या बड़े बड़े बर्फ़ के गोले पड़ गए, तो एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केस किया गया हो, केस क्यों किया जाएगा कि इसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर केस किया गया है, अगर वो कोर्ट में प्रूव कर दे कि जो भी लॉस हुआ है केस करने वाले व्यक्ति को, वो मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि भगवान की वजह से हुआ है, बल्कि किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुआ है जो कि ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में होती नहीं है, मेरे कंट्रोल में थी नहीं, मतलब भगवान के कंट्रोल में थी, जैसे कि बाढ़ आ जाना, जैसे कि भूकंप होना, वो भगवान के हाथ में होता है, किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि बहुत हैवी रेनफॉल होना और उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो जो है व्यक्ति एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं और डिटेल में जाऊंगा, उसको समझ लो। देखो मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने एक घर बना दिया, इंजीनियर ने घर बना दिया, इस घर की जो उसने उम्र रखी, एज रखी, वो रखी 50 साल, कि 50 साल तक घर को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहेगा, ये मैंने बनाया है। हुआ क्या, अब इंजीनियर ने बोल दिया, तो एग्रीमेंट बन गया था, इंजीनियर जो है उसने बोल दिया कि ये इस घर को कुछ होगा ही नहीं। पर मान लो 25-30 साल हो गए इस घर को बने हुए, पर एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से अर्थक्वेक आया। जब अर्थक्वेक आया तो गांव के बहुत सारे घर टूट गए, हिल गए पूरे, और ये घर भी टूट गया, क्रैक हो गया। तो घर के मालिक ने इंजीनियर के ऊपर केस कर दिया। जब घर का मालिक इंजीनियर के ऊपर केस करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा डिफेंडर और घर का मालिक बन जाएगा प्लेंटिफ, ये डिफेंडर बन जाएगा, ये आप लोगों को डिफेंड करेगा। तो जो इंजीनियर है वो डिफेंस ले सकता है एक्ट ऑफ गॉड का, कि सर जो घर टूटा है, मैंने बोला था 50 साल तक चलेगा पर 25 साल के बाद टूट गया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो घर मजबूत बनाया था, ये तो भगवान की गलती है, जो भूकंप इतना हैवी आया, इतना बड़ा भूकंप आया कि बहुत सारे गाँव में घर टूट गए, तो ये भी टूट गया, से मेरी क्या गलती है। ये होते हैं एक्ट ऑफ गॉड के एग्जांपल। अब आ जाओ हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने, आप इसको लिख भी लो, नोट्स भी बना लो। तो देखो एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी घटना, ऑर्डनरी नहीं, जब कोई ऑर्डनरी ओकरेंस होगा, ऑर्डनरी सामान्य घटना घटेगी तो वह एक्ट ऑफ गॉड में नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना जो ह्यूमन माइंड की थिंकिंग से बाहर हो, ह्यूमन बींग की सोच से बाहर हो। जैसे एक होती है रेनफॉल होना, एक होता है हैवी रेनफॉल होना जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो,
जो रेनफॉल हुई तो वो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, पर जो हैवी रेनफॉल होगी जो ह्यूमन बींग सोच भी नहीं सकता तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएगा, वो एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा। तो क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्यूरेंस ऑफ सर्कमस्टांसिस विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन। मतलब वही हुआ एक्ट ऑफ गॉड का, कि कुछ ऐसा हो जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घट जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकरेंस हो जाना, जिसको कभी सोचा ही ना गया हो पहले से, जिसके बारे में कभी अंदाजा ही ना लगाया गया हो, ह्यूमन बीइंग के सोच से बाहर हो। जो एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये बहुत बढ़िया है, एक्ट ऑफ गॉड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज या नेचुरल कैलामिटीज। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या है, एक एक्सीडेंट ही है, एक्ट ऑफ गॉड एक एक्सीडेंट ही है जो कि नेचुरल कैलामिटी से होता है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, जो मतलब कि कोई ह्यूमन बींग नहीं करता, ह्यूमन बींग के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, बल्कि वो नेचुरली होता है, अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से हो जाता है, अर्थात भगवान करता है। इसको एक्ट ऑफ गॉड को विस मेजर के नाम से भी जाना जाता है, विस मेजर। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि विस मेजर किस से रिलेटेड है, तो वह एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है। इनएविटेबल एक्सीडेंट को भी विस मेजर कह लेते हैं। जो एक्ट ऑफ गॉड है एक किस्म का एक्सीडेंट ही है, पर ये जो एक्सीडेंट हो रहा है वो नेचुरल कैलामिटी से हो रहा है, नेचुरल कॉजेज से हो रहा है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं हो रहा, कोई ह्यूमन बींग इंटरवेंशन नहीं कर रहा। यहाँ लिखा हो देखो, एक्ट ऑफ गॉड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज डायरेक्टली एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन बींग का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूँ, इनएविटेबल एक्सीडेंट की, तो उसमें ह्यूमन बींग का इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन बींग के जरिए ही एक्सीडेंट होता है। बस ह्यूमन बींग लॉफुल काम कर रहा होता है, उसकी इंटेंशन वो गलत काम करने की नहीं होती, पर उससे हो जाता है। पर एक्ट ऑफ गॉड के केस में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, बल्कि ये नेचुरल कैलामिटी से होता है, जैसे हैवी रेनफॉल, जैसे अर्थक्वेक, जैसे कि बहुत सा तूफान आना, बाढ़ आ जाना, ये सारे एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएंगे। अब हम इसके कुछ इशेंशियल डिस्कस कर लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं इशेंशियल्स की बात करूं, अर्थात क्या क्या जो चीज़ें हैं एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेने के लिए, तो सबसे पहले डिफेंडर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। तो डिफेंडर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी घटना घटी है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो पहली बात तो इसकी वजह से हुआ है कि वहाँ पे नेचुरल फोर्स थी, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से बल था, नेचुरल फोर्स थी, ह्यूमन बीइंग ने कुछ नहीं किया, ह्यूमन बीइंग के हाथ में कुछ था ही नहीं, बल्कि नेचुरल फोर्स थी। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, प्राकृतिक रूप से हुआ वो, या बाढ़ आ गई, प्राकृतिक रूप से आ गई, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, प्राकृतिक रूप से आ गई, या बर्फ के गोले पड़ गए, प्राकृतिक रूप से हो गया। तो मतलब क्या था कि नेचुरल फोर्स थी वहाँ पे, प्राकृतिक रूप से अपने आप काम हो रहा था, ह्यूमन बींग कुछ नहीं कर रहे थे, ह्यूमन बींग के कंट्रोल में कुछ नहीं था। दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा, द अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बात बहुत जरूरी है कि जो हुआ है, जो घटना घटी है, जो भी प्राकृतिक रूप से घटना घट रही थी, जो नेचुरल फोर्स थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब ये हुआ कि भूकंप होते हैं, नॉर्मल भूकंप भी हो सकता है, नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऑर्डिनरी नहीं था, बहुत ज़्यादा था, जो नेचुरल फोर्स थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, नॉट वन विच कुड बी एंटीसिपेटेड। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और इतनी नहीं थी जिसको एंटीसिपेट किया जा सके। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि जिसको पहले से अनुमान लगाया जा सके, उसको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जैसे एंटीसिपेटरी बेल होती है, पहले से बेल लेना। मैं आपको एक केस लो बताऊंगा, उसको आपने जरूर मेंशन करना है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। हाँ दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ निकोलस वर्सेस मार्शलैंड की, इसमें एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया गया था। इसमें हुआ क्या था, एक व्यक्ति ने अपने घर पे आर्टिफिशियल डैम बनाया, मानव निर्मित एक डैम बनाया अपने यूज़ के लिए, और उसमें एक लिमिटेड पानी डाल दिया, और डैम आपको पता है यहाँ से बंद होता है, उसको डैम को बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ, कि ह्यूमन कंट्रोल में था नहीं, ह्यूमन बींग की थिंकिंग से बाहर था, सोच से बाहर था, इतना ज़्यादा रेनफॉल हो गया कि यहाँ से पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि यहाँ से पानी निकला, और पानी जब निकला रास्ते में से बाहर से, टूट गए जो फाटक थे इसको पानी को रोकने वाले, टूट गए, बहुत प्रेशर से पानी निकला, और प्लेंटिफ जो केस करने वाला व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उसके तीन पुल थे, पुल ब्रिज, वो टूट गए, पुल थे वो टूट गए। जब पुल टूट गए
उस व्यक्ति ने जिसके पुल टूटे उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में जाके कंपनसेशन का कि इस व्यक्ति के डैम से निकले पानी की वजह से मेरे पुल टूटे हैं, इतने प्रेशर से पानी आया, इसने डैम ही क्यों बनाया, केस कर दिया। तो ये बन गया प्लेंटिफ, ये बन गया डिफेंडेंट। अब इसने डिफेंड करना था तो इस व्यक्ति ने अर्थात मार्शलैंड ने जो डिफेंडेंट है इसने एक्ट ऑफ वॉर का डिफेंस लिया। इसने ये बोला कि सर जो भी घटना हुई है, पहली बात तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने डैम बनाया था उसमें पानी लिमिटेड था, पर वो नेचुरली हुई है, नेचर की वजह से हुई है, प्राकृतिक रूप से हुई है, मानव निर्मित नहीं हुई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप हैवी रेनफॉल हुआ और जो रेनफॉल हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों इशेंशियल पूरे हो रहे थे, पहला जो है नेचुरल रूप से हुआ, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अक्रेंस हो रहा था, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई जितनी ह्यूमन बींग सोच नहीं सकता, इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ से पानी निकल के अगर प्लेंटी के तीन अगर वो तोड़ देता है ब्रिज या चार ब्रिज तोड़ देता है, इसमें मेरी क्या गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं है, भगवान की गलती है, भगवान पे केस करो, भगवान पे केस करो, मेरे पे केस क्यों कर रहे हो। तो ये जो है अर्थात इस व्यक्ति ने क्या किया, मार्शलैंड ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया, सारा कुछ भगवान के ऊपर थोप दिया और खुद बच गया, तो इसको डिफेंस मिला भी। एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी गाइस, तो अब कालू लाल वर्सेस हेमचंद में क्या हुआ, ये जो केस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकुरेंस से डील करता है। मैंने आपको बताया ना कि एक्ट ऑफ कोर्ट का डिफेंस लेना होगा, दो शांस प्रूव करने पड़ेंगे, पहला कि नेचुरल फोर्स थी, दूसरा वो नेचुरल फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी जिसको एंटीसिपेट ना किया जा सके, रोका ना जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, जो ह्यूमन बींग की सोच से बाहर हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकुरेंस से डील करता है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक घर की दीवार बनाई, दीवार ये बोल है, मान लो दीवार बनाई, तो वो दीवार जो है ना, अब दीवार किसने बनाई, एक व्यक्ति ने बनाई, मान लो इंजीनियर है कोई, इसने जो है दीवार बनाई, ये दीवार जो है एक बार रात को वर्षा हुई, बारिश हुई, दीवार गिर गई, जब दीवार गिरी तो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, ये बच्चे थे, इन बच्चों को चोट आ गई, इन बच्चों को चोट आ गई, इंजरी हो गई, जब इंजरी हुई तो जो बच्चे थे इनके घर वालों ने केस फाइल कर दिया दीवार बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर कि इसने कच्ची दीवार बनाई, ढंग से काम नहीं किया। तो अब दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने डिफेंस लिया एक्ट ऑफ गॉड का कि सर जो बारिश हुई वो नेचुरल कैलामिटी थी, नेचुरली हुआ, वर्किंग फोर्स नहीं थी वहाँ पे, नेचुरल वर्किंग फोर्स थी, मेरी क्या गलती है। प्लस इसने ये बोला कि जो हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस हुआ है। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो बारिश हुई थी वो 2.66 इंचेस की हुई थी, और ये बारिश कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी रेनफॉल है, ये बहुत कम रेनफॉल है, इससे कोई दीवार नहीं गिर सकती, जो दीवार गिरी है इसमें कमी थी कि आपने मटेरियल ठीक नहीं लगाया, आपकी गलती थी, तो इसमें जो था ना व्यक्ति को लाइबल हेल्ड किया गया था, ये केस अपील में गया था, इसलिए अपीलेंट जो है ये कालू लाल जो अपीलेंट है इसको लाइबल हेल्ड किया गया था कि आपकी गलती है, आपने दीवार अच्छे से नहीं बनाई, और आपकी दीवार गिरने से जो आपने बनाई थी जिसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगाया था आपने, बच्चों को नुकसान हुआ, इंजरी हुई, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा और आप एक्ट ऑफ कोर्ट का डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि मेन रीज़न यही दिया कि नेचुरल फोर्स तो थी, ठीक है, वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स था, पहला शेष पूरा हो रहा है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस नहीं था, अर्थात जो भी हुआ वो नॉर्मल था, ऑर्डिनरी था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, तो आप लाइबल होंगे किसके लिए, कंपनसेशन देने के लिए। इसके साथ साथ एक और केस लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैं लिखकर डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, तो अगला केस है रामालिंगम नाडर वर्सेस नारायण रेड्डियर। इस केस में क्या हुआ, ये भी एक्ट ऑफ गॉड से डील करता है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति का ट्रक था, ये व्यक्ति का इस ट्रक में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो हुआ क्या कि जो ट्रक वाला व्यक्ति था तो वहाँ से एक मोब आई, बहुत सारी भीड़ में लोग आए, उन्होंने इस ट्रक को लूट लिया, इस ट्रक के अंदर जो भी सामान था वो सारा लूट लिया। तो हुआ क्या कि जो ट्रक का मालिक था उसने अपने ड्राइवर को, जो ट्रक दिया चलाने को, उसके ऊपर केस फाइल किया कि इसने जो है नेगलिजेंटली काम किया और जो भी ट्रक के अंदर सामान था वो सारा लूट गया, तो इसको कंपनसेशन के लिए लाइबल किया जाए, इस मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो जो ट्रक का मालिक था उसने किसका डिफेंस लिया, एक्ट ऑफ गॉड का, ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की गलती है। तो कोर्ट ने बोला इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, ये जो भी हुआ है वो ह्यूमन बींग्स ने किया है, ह्यूमन बींग के कंट्रोल में था, तो आपको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मिल सकता और आप लायबल होंगे ट्रक के मालिक को कंपनसेशन देने के लिए। गाइस, जो मैंने आपको केस लो बताए हैं, जो पहला केस है निकोलस वर्सी मार्शलैंड, वो आप पहले इशेंशियल में लिख सकते हो नेचुरल फोर्स, वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स में। जो दूसरा केस था कालू लाल वर्सेस हेमचंद, वो आप जो है वो कहाँ लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्यूरेंस वाले दूसरे इशेंशियल में। और जो रामालिंगम वाला था जो लास्ट केस था, इसको आप दोनों में से किसी में भी लिख दोगे ये बन जाएगा। तो आप ये केस को मैंशन कर लेना,
इशेंशियल के अंदर इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या डिफरेंस है, तो एक्ट ऑफ गॉड हो चाहे इनएविटेबल एक्सीडेंट हो, दोनों में होता एक एक्सीडेंट ही है। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में जो एक्सीडेंट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन बींग का इंटरवेंशन कोई नहीं होता, ह्यूमन बींग का कोई कंट्रोल नहीं होता। पर अगर मैं बात करूँ एक्सीडेंट की, इनएविटेबल एक्सीडेंट की, तो उसमें जो एक्सीडेंट होता है वो ह्यूमन बींग करता है, ह्यूमन बींग के कंट्रोल में होता है, उसके इंटरवेंशन से होता है। तो ये एक डिफरेंस भी है दोनों में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।